प्रदेश में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं गोरखपुर में आंकड़ा तकरीबन 200 के पार पहुंच गया है। डेंगू की चपेट में आने के बाद मरीज रिकवरी हो कर रहे हैं और इसलिए प्रशासन राहत की सांस ले रहा है, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखकर शासन प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं वजह है कि गोरखपुर में प्राइवेट वार्ड के साथ अब टीबी वार्ड को भी डेंगू वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। डेंगू मरीजों का आलम यह है कि प्राइवेट वार्ड को भी डेंगू वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, साथ ही टीबी वार्ड को भी डेंगू वार्ड में तब्दील किया गया है और ताकि मरीजों का सही इलाज हो पाए। ऐसे में ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर केवल गोरखपुर के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन ये संख्या तकरीबन 200 के आसपास पहुंच गई है। फिलहाल ये अच्छी बात है कि इसमें रिकवर इस बार ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस बार के जो डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके की लक्षण मिल रहे हैं। कोई डेंगू के जैसे प्लेटलेट्स कम होता था तो कई डेंगू के मरीज हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों में हो रहा है तो कुछ लोगों में सर में दर्द हो रहा है। तमाम तरह के जो है मरीजों में लक्षण मिल रहे हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे कि ये गोरखपुर के जिला अस्पताल की तस्वीर है और यहाँ पर जो तकरीबन 16 वार्ड जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस डेंगू वार्ड में 2 से 3 अलग अलग स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और इन सभी वार्डों में इसी तरीके से मरीज भर्ती हैं। फिलहाल जहाँ मैं अभी हूँ ये जिला अस्पताल का डेंगू वार्ड बनाया गया है, स्पेशल वार्ड था, प्राइवेट वार्ड, और यहाँ पे अभी फिलहाल 16 बेड में से 14 बेड पे मरीज हैं, चूंकि मरीज आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसे में जो मरीज हैं उनको उनके इलाज को लेकर के लगातार यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो मुकम्मल नजर आ रही है और जो साफ सफाई होनी चाहिए, हर बेड पर एक मच्छरदानी है, बकायदे सभी मरीजों का इलाज हो रहा है और इस बात की निगरानी रखी जा रही है कि किसी का प्लेटलेट्स कम ना होने पाए, इसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। कुछ मरीज के तीमारदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बाद यहाँ लेकर के आए तो इलाज अच्छा हो रहा, डॉक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सिस्टर लोग भी और वार्ड बॉय भी साफ सफाई सारी चीजें। क्या लक्षण था और जांच में क्या निकल गया? कंटिन्यू इसकी तबीयत सही होती जा रही, जब आया था तो बहुत बेसुध था, बाद में इसकी तबीयत सही होना, यहाँ आने के बाद इसकी तबीयत सही होना हो गई। जो लगातार जो मरीज हैं उनके आने का सिलसिला तो लगातार है, लेकिन अब ये डॉक्टर्स जो जानकार हैं उनकी माने तो अब ये स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी, क्योंकि मौसम में जब परिवर्तन होगा तो इसके इलाज जो बीमारी है उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। फिलहाल अलग अलग पद्धति के अलग अलग इलाज है, जैसे अगर होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो या फिर एक्वाप्रेशर हो, तमाम अलग अलग पद्धति के जो अलग अलग चिकित्सक हैं वो अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं और मरीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया। चलिए मेरठ से बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें कि मेरठ से बड़ी खबर आ रही है।